अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बेहतरीन ट्रिक शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी व्हाट्सएप में पिक्चर भेजेगा तो वो डायरेक्टली एसडी कार्ड में सेव होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपको पिक्चर भेजेगा तो वो डायरेक्टली एसडी कार्ड में सेव होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको तरीका समझ नहीं आएगी। दोस्तों आप लोगों ने अपना प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है ऑटो फाइल ट्रांसफ़र लाइट। जब आप ये सर्च करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस फर्स्ट वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑटो फाइल ट्रांसफ़र फाइल चेंज डिटेक्शन। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ओपन दिखाई देगा, ओपन पर क्लिक करना है आप लोगों ने। जब आप ओपन पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से नेम दिखाई देगा आपको। इस नेम में आप लोगों को जो भी देना है नेम दे सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पिक्स लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप पिक्स लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सोर्स फोल्डर पर क्लिक करना है। दोस्तों सोर्स फोल्डर में आप लोगों ने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर पहले सेव होता था। तो यहाँ से मैं डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर मीडिया में आना है। जब आप मीडिया में आओगे तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप इमेजेस पर क्लिक करना है और उसके बाद सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करना है आप लोगों ने। और दोस्तों डिस्टिनेशन फोल्डर में आप लोगों ने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप लोग सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एसडी कार्ड में आना है और एसडी कार्ड में आने के बाद यहाँ पर इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर में लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप मैसेंजर लिखने के बाद आप लोगों ने ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसफ़र डिले टाइम आफ्टर डिटेक्शन, तो यहाँ से आप लोगों ने 2 सेकंड्स करना है और इसके बाद ओके पर क्लिक। दोस्तों ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस सेव आइकन पर क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगी। दोस्तों आप अपना व्हाट्सएप में आते हैं कि ये ऐप काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और वो पिक्चर्स डाउनलोड करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने चैट खोला और ये पिक्चर हम डाउनलोड कर रहे हैं। ये 2 पिक्चर हो गए, हम इस 2 पिक्चर को ही डाउनलोड करना है। दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर फाइल्स में आना है। किसी के मोबाइल में फाइल्स हो तो किसी के मोबाइल में फाइल मैनेजर होगा, तो जो भी हो आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एसडी कार्ड पर क्लिक करना है तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर वो फोल्डर देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर, और वो 2 पिक्चर भी यहाँ पर सेव हो गए हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।